सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, अब चाहे इंसान हो या देवता। इसका एक उदाहरण माता सीता का भी है और इस विषय में रामायण में बताया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह के दंत कथाएं मिलती हैं जिनसे कई लोग परिचित नहीं है। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था जिसके कारण से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण करके ले जाता है और उसका वध करने के पश्चात माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर एक धोबी के कथन के कारण माता सीता को अलग रहना पड़ता है। हम सबके मन में सवाल उठता है कि श्री राम तो भगवान है, फिर भी वे अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे? तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक कथा के विषय में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ जोर से बोलें, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। वह जोड़ा भगवान राम और माता सीता के विषय में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर चला गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गईं। उन्हें अपने विषय में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे, जहां हर रोज श्री राम और सीता जी के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसीलिए उनको दोनों के विषय में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ, मुझे मेरे और श्री राम के विषय में और भी बातें जाननी है। तब नर तोते ने कहा कि आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रहीं और दोनों तोते जवाब देते रहे। फिर सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें वहां सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोते ने कहा, हे माते, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दें, हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोते को बहुत गुस्सा आया और उसने श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोते के भी पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके पश्चात प्रभु श्री राम ने माता सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। माता सीता के वियोग की कथा अन्य पुराणों में यह भी मिलती है कि उनका संबंध देवऋषि नारद से माना जाता है। कथा अनुसार एक बार नारद जी को अभिमान हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। उन्होंने यह बात अभिमान में शिव जी के बाद श्रीहरि को बताई। तब श्रीहरि ने एक योजना बनाई कि नारद जी को इस बात का घमंड हो गया है, जो कि सही नहीं है। जैसे ही श्रीहरि से प्रणाम करके नारद मुनि आगे बढ़े, तब उनको एक भवन दिखाई दिया जहां राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखकर वे मोहित हो गए। यह सब एक माया थी। राजकुमारी का रूप नारद जी का तब भंग कर चुका था और वे राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, आप मुझे एक अत्यंत सुंदर रूप दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद जी, ऐसा न हो कि आप इस रूप को लेकर बाद में पछताएं।
दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए थे कि प्रभु का एक रूप वानर का भी है। तब उन्होंने वही रूप नारद जी को दे दिया। जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे, तब पूरी सभा बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगी और राजकुमारी ने भी मुख को देखकर वरमाला नहीं पहनाई। तब नारद जी ने सोचा कि आखिर सभी मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं और राजकुमारी ने मुझे माला क्यों नहीं पहनाई। तभी भगवान विष्णु सभा में पधारे और राजकुमारी ने उनको माला पहना दी। तब उन्होंने पानी में अपना मुख देखा और वानर वाला मुख देखकर क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह मैं स्त्री के लिए तड़पा हूँ, आप भी पृथ्वी पर स्त्री वियोग का सामना करेंगे। जब माया का प्रभाव खत्म हुआ तो नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री हरि से क्षमा मांगी, किंतु हानि हो चुकी थी, जिसके पश्चात भगवान राम और माता सीता को वियोग का सामना करना पड़ा। पुरानी कथाओं में श्री राम और सीता जी के वियोग को लेकर एक और प्रचलित कथा मिलती है। एक बार सभी देवताओं तथा राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में राक्षसों की भयंकर पराजय हुई तथा देवता विजय हुए थे। युद्ध में कई राक्षस या तो मारे जा चुके थे या अपना जीवन बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अंत में उन्होंने भृगु ऋषि के आश्रम में जाकर उनकी पत्नी से शरण मांगी। तब भृगु ऋषि की पत्नी के द्वारा सभी राक्षसों को छुपा लिया गया। जब देवताओं को इस बात का ज्ञान हुआ तो वे अचंभित हो गए तथा यह बात जाकर भगवान विष्णु को बता दी। भगवान विष्णु को यह पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। इसी क्रोध में उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया, जिससे भृगु पत्नी का मस्तक कटकर अलग हो गया तथा उनकी मृत्यु हो गई। जब भृगु ऋषि को इस घटना के बारे में पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए तथा भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उनकी पत्नी इस अपराध के लिए इतने बड़े दंड की भागी नहीं थी, इसलिए जिस प्रकार उन्हें कुछ समय काल के लिए अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा, उसी प्रकार जब भगवान विष्णु मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तब उन्हें भी कुछ समय अवधि के लिए अपनी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा। ऋषि भृगु के द्वारा मिले इसी श्राप के कारण जब भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया, तब उन्हें अपने राज्याभिषेक के पश्चात माता सीता का वियोग सहना पड़ा। परंतु इस सब के बाद भी विष्णु जी ने संसार में संचालन बनाए रखा। प्रभु श्री राम ने मर्यादा की स्थापना की और समय का चक्र चलता गया। तो हमारे साथ एक बार पुनः बोलें, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस वीडियो में केवल इतना ही। आपको इन कथाओं के विषय में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।